राम राम दोस्तों, लीजिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दाल फ्रेजी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई है। एक पैन में पानी ले लिया है, उसमें कुछ मटर के दाने डाल दिए हैं, कुछ बीन्स को लंबा लंबा कट करके डाल दिया है, एक गाजर को धोकर छील कर लंबे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल दिया है। इन वेजेस को मैं एक अच्छा सा बॉयल दूंगी ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। अगर आप नहीं बॉयल करना चाहते तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब ये बॉयल हो गई है, मैं इसका पानी निकाल दूंगी। कढ़ाई को मैंने इंडक्शन पर रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, दो आलू को छील कर लंबा लंबा कट कर लिया है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कट करते हैं। इसे हम घी में सौते करेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा इसको भुनने के बाद हम इसमें मिला देंगे शिमला मिर्च, क्योंकि आलू सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं कुक होने में, तो सबसे पहले हमने आलू डाला है। अब मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को लंबा लंबा कट करके डाल दिया है। सभी सब्जियों को हम लंबा लंबा ही कट करेंगे क्योंकि दाल फ्रेजी में इसी तरह से ही सब्जियों को कट किया जाता है। अब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम इसमें मिला देंगे जो सब्जियां हमने बॉयल की थी। इन्हें भी हल्का सा सौते करेंगे ताकि हमारी सब्जियां क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है कि सब्जियां एकदम ढीली ढाली सी हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। और ऐसी भी नहीं रखनी है कि कच्ची ही रह जाएं, खाई ही ना जाएं। इसलिए बहुत ध्यान से सब्जियों को कुक करेंगे हम। बीच बीच में हिलाते रहिए, चेक करते रहिए। अब हम अपनी सब्जियों को चेक कर लेते हैं। आलू को हम प्रेस करके देखते हैं, आलू अच्छे से दब रहा है, इट मीन्स सब्जियां हमारी बिल्कुल रेडी हैं। 7-8 मिनट लगे हैं इसको पूरा रेडी होने में। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा सा टमाटर लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। सब्जियाँ आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एक प्याज को छीलकर मैंने इसमें डाल दिया है। इनको मैं जस्ट मिक्स ही करूँगी क्योंकि मुझे खड़े खड़े ही चाहिए टमाटर और प्याज। बस मिक्स करके हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और कढ़ाई को हम दोबारा इंडक्शन पर रख देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल फिर से डालेंगे, एक प्याज बारीक कट करके हम इसमें भूनने के लिए डाल देंगे। अब ये हम अपनी मसाले की तैयारी कर रहे हैं। जब तक हमारा प्याज भुनता है, हम दो छोटे छोटे टमाटर, थोड़ा लहसुन और अदरक, इनको ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर भूनें। प्याज हमारा भुनता जा रहा है, कलर आना शुरू हो गया है प्याज में, और ये देखिए टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा तैयार है। प्याज भी अब हमारा अच्छे से भुन चुका है। बीच बीच में हिलाते जरूर रहें, नहीं तो ये लग जाएगा, जल भी सकता है। अब प्याज को हम अच्छे से भून चुके हैं, इसमें हम मिला देंगे अपना गार्लिक जिंजर एंड टमाटो पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम ही रखना है, फ्लेम तेज नहीं करना है। अब ये थोड़ा सा भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, देगी मिर्च, आप देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं, और इसमें डाल देंगे हम खूब सारा धनिया पाउडर। ये तो सब्जी की जान है, खुशबू और स्वाद दोनों ही बहुत बढ़ा देता है ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे हम इसको ताकि नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक नहीं डाला है अभी हमने, याद रखिएगा, गलती से बोल दिया है मैंने। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक के जूलियंस। ये देखिए मैंने थोड़े से ही डाले हैं क्योंकि अदरक मैंने पेस्ट में भी डाली है, और ये जूलियंस बनाए हैं मैंने अपने ये न्यू जूलियन कटर से। आप ज़्यादा अदरक डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 2-3 हरी मिर्च भी लंबी लंबी काट कर मैंने इसमें मिला दी हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें।
और ये जो हमने अपनी सब्जियां सौते करके तैयार की थी उन सभी सब्जियों को मैंने बीच में डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है तो हमें वो भी डालना है सब्जी में। अब हम इसमें डाल लेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने पुदीना पाउडर डाला है, ड्राई मिंट को क्रश करके इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर हम इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से हमारी सब्जी रच जाए, सारे फ्लेवर्स बहुत बढ़िया टेस्ट आए। तो तैयार है हमारी सब्जी। कैसी लगी रेसिपी आपको दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।